साउथ इंडस्ट्री की जब भी बात आती है तो तेलुगु इंडस्ट्री का नाम सबसे ऊपर आता है। बाहुबली, पुष्पा, आरआरआर और केजीएफ तो इनकी सबसे बेस्ट मूवीज है, लेकिन आज हम तेलुगु इंडस्ट्री की 7.5 रेटिंग से ज्यादा वाली पांच ऐसी मूवीज खोज के लाए हैं जिसे आपने नहीं देखा तो क्या कर रहे हैं यार तू। नंबर वन पर आती है फिल्म इवारू, जो कि एक ऐसी क्राइम थ्रिलर है जो आपके दिमाग का दही कर देगी। फिल्म की स्टोरी एक ऐसी लेडी के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर पुलिस ऑफिसर को टपकाने का आरोप होता है। आईएमडीबी रेटिंग 8.1। नंबर दो पर आती है हमारी देसी शर्लक होम्स यानी एजेंट साइंस श्रीनिवास अथेरिया, जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव की कहानी है जो एक मिसिंग पर्सन के केस में बुरी तरह से फंस जाता है। फिल्म में थ्रिलर के साथ कॉमेडी का तड़का देखने को मिलता है। आईएमडीबी रेटिंग 8.3। नंबर तीन पर आती है फिल्म ओ बेबी। फिल्म की स्टोरी काफी दिलचस्प है, जहां एक 70 साल की बुढ़िया को मैजिकल पावर्स मिल जाती है और वो उसका इस्तेमाल कर 23 साल की बन जाती है। आईएमडीबी रेटिंग 7.5। द गाजी अटैक एक जबरदस्त फिल्म है, जहां आपको पाकिस्तानी सबमरीन गाजी के सीक्रेट अटैक की स्टोरी देखने को मिलती है। फिल्म में केके मेनन है तो आप समझ ही सकते हो। आईएमडीबी रेटिंग 7.5। निन्नू कोरी एक ऐसी लव स्टोरी है जिसे आप हम दिल दे चुके सनम से थोड़ी इंस्पायर्ड लगती है, लेकिन फिल्म देखकर आपको मजा आ जाएगा ये तो पक्का है। आईएमडीबी रेटिंग 7.5। इस तरह के अपडेट के लिए और हमारे एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।